थोड़ी सी गाइज एक छोटी सी मेरे को बात भी करनी थी अबाउट कुछ चीज़ें जो चल रहा है. SATL को क्यों नहीं बुलाई, आ गए एक वन ऑफ दी किड्स इन द चैट. तो ये एक मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जगह जगह पे चल रहा है. अगेन SATL ने नहीं बुलाया, SATL को नहीं बुलाया, फैमिली मेम्बर्स को नहीं बुलाया. सो गाइज बात ये है सिंपल सा कि मावी मी एंड थग हैड अ टॉक अबाउट हिज मैरिज. ऑब्वियसली हम सबको पता ही था, बट मावी का ये पर्सनल डिसीजन था. ही डिड नॉट वॉन्टेड टू डिस्क्लोज हिज मैरिज, पर्टिकुलरली ही डिड नॉट वॉन्टेड टू डिस्क्लोज हिज वुड बी, मतलब हमारी भाभी जी को वो नहीं, वो उसका पर्सनल चॉइस था कि वो नहीं बोलना चाहता था. एंड इसी कारण से उसने जो वेडिंग करी है, इट हैपेंड इन संगरूर विच इज़ अगेन 3 hours, 2 hours फ्रॉम चंडीगढ़. तो ए वहाँ पे सिंस ही वॉन्टेड टू कीप इट प्राइवेट, सो हमने ये सोचा कि लेट ऑल SATL मेम्बर्स डू एन आफ्टर पार्टी आफ्टर ही गेट्स मैरिड. सबको पता था इज गेटिंग मैरिड, बट मावी का डिसीजन था, ही वॉन्टेड टू कीप इट प्राइवेट एंड वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता था. सो ऑब्वियसली सबको बुलाया ही था, हमसे पूछा भी था, और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं गए, बट इसमें हम लोग यही कंक्लूजन निकला कि अगर SATL जाते हैं उसकी वेडिंग पे तो नो वे इट कैन बी केप्ट हिडन. मिली ने रिवील कर दिया था ऑलरेडी. हाँ, उसको पता नहीं था कि रिवील नहीं कर रहा. मावी भी उसी ग्रुप में था और मावी ने उसके बाद मेरे को DM भी किया कि गोल्डी भाई बोलने के बाद भी ऐसा हो गया. बट मिली के पहले ही अनफॉर्चुनेटली मावी की शादी में ही जो फोटोग्राफर या कोई भाई बंधु आए हुए थे उन्होंने ही उठा के रील्स डाल दी और हमारे हाईलाइट चैनल एज यूजुअल इन द रेस ऑफ पुटिंग मी फर्स्ट कॉन्टेंट. आज गेमिंग एरा भाई ने एक वीडियो डाला, कन्फर्म्ड मावी ने जब स्टोरी लगाई, उसको ये नहीं पता था मावी की पोस्ट भी आने वाली है, तो गेमिंग एरा ने भाई ने वो स्टोरी लगाई, मावी की वेडिंग हुई कन्फर्म. सो लेट्स ऑल कॉन्ग्रेचुलेट फॉर हिम मावी फॉर हिज न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. वी आर ऑल वेरी हैप्पी. हम लोगों ने पूरा उसका वेडिंग का फोटोज कॉन्स्टेंटली हम लोग टच में थे. वी न्यू वट एवर वॉज हैपनिंग, बट सिंस मावी का पर्सनल डिसीजन था टू कीप इट पब्लिक, कीप इट प्राइवेट, तो वी कांट गो अगेंस्ट हिज डिसीजन. बट इट वॉज फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कि वो लीक हो गया एंड आप लोगों तक आ गया एंड हम लोगों को बताना पड़ा. मावी बताता बट ही हैड सम प्लान्स कि वो लेट बताता, वो उसका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डिसीजन है. बट SATL क्यों नहीं गया उसकी शादी में, तो उसका भी यही रीज़न है कि नो वे इट कुड हैव बीन केप्ट प्राइवेट कि SATL उसकी शादी में जाता और लोगों को नहीं पता.